तैयार हो आज भी खुदावंत की ग्रेस को लेने के लिए, आगे जाने के लिए, उसके बड़े कामों को देखने के लिए, ब्लेस होने के लिए? तो अपनी पड़ोसी को कहो, उसके वचन को मान और पूरा करो, उसका आदर कर। बोलो 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 अपने पड़ोसी को कि उसके वचन को मान और उसकी हर आज्ञाओं का आदर कर, तो वो तुझे आगे लेकर जाएगा, बढ़ाएगा। आमीन आमीन। आदत नहीं है ना, आदत डाल लो। बोलो क्या है? आदत डाल लो। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के आदि नहीं होंगे, जैसे एक नशा करने वाला व्यक्ति, वो बिना नशे किए वो रह नहीं सकता। चाहे उसे दूध दो, देसी घी दो, कितनी भी ताकत, बादाम दो, ये खा लो, तो क्या हो जाएगा? उसे उन चीजों को खाकर आनंद नहीं आएगा जब तक वो नशे को नहीं लेगा, क्योंकि उसका आदि हो गया। क्या हो गया उसका? वो आदि हो गया। इसी रीति से जब तक हम परमेश्वर के प्रेम के आदि नहीं होंगे, बोलो क्या है, हम आदि नहीं होंगे। आदि हमारी जो हैबिट है, जो आदित्य, जब तक एक नशे के व्यक्ति की तरह नहीं बनेगी, तब तक हम उसकी बड़ी सामर्थ के कामों को देख नहीं सकते। जैसे मैं अभी भी आ रहा था, तो कुछ लोग अभी आ रहे थे। क्या रहे थे? मैं अभी जैसे मैंने एंटर किया, मैंने अभी मैंने कुछ लोगों को देखा, अभी भी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी 12 बजे। इसीलिए अब्राहम के जिंदगी में 24 साल लगे। ध्यान से सुनो सारे, आप परमेश्वर से आशीष लेने के लिए सब आए हो ना? मुझे पता, यहाँ पे एक भी बंदा नहीं ऐसा जो कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लस मैं भी, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए परमेश्वर का प्रेम, जिसके लिए उसने मुझे अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया, मेरे जीवन को बचाया, मेरे जीवन के प्राण को बचाया और मुझे अपने स्वर्ग का अधिकारी बनाया। आमेन, हालेलुया। कितने लोग इस बात का घमंड करते हैं कि उसने हमें स्वर्ग का अधिकारी बना दिया है, हम इस योग्य नहीं थे। बोलो क्या थे? हम तो पापी थे और पापों में अपनी जीवन व्यतीत कर रहे थे। गुस्से, स्वभाव, लड़ने वाले, ईर्ष्या, झगड़ा करने वाले, ऐसे व्यक्ति थे। बोलो क्या था? हम तो छोटी सी किसी की बात नहीं सुनते थे। किसने ऐसा हमारा मन बना दिया? उस यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन देकर, किल्लों से अपने आप को जड़कर, कोड़ों की मार से हमें ऐसा बना दिया। नाज करो, करते हो? अगर सच में उसका प्रेम आपके अंदर है तो फिर आप घमंड करोगे। जैसे पॉलस कहता है, मैं अपनी निर्बलताओं पे भी घमंड करूंगा, मैं अपनी कमजोरियों में भी घमंड करूंगा। क्या करूंगा? मैं अपने दुखों में भी घमंड करूंगा, क्योंकि वो जान चुका था मेरा परमेश्वर कौन है। अगर आप जान चुके हो तो फिर आप आदि हो जाओगे नशे के, जैसे एक व्यक्ति नशा करता है। क्या करता है एक व्यक्ति? जो नशा करता है, नशा, क्योंकि आदि होगा, बिना वो रह नहीं सकता। अब बिना मीटिंग आप संसार के सारे कामों को छोड़ दोगे, शादी ब्याह, ये दुनियादारी के काम धंधे सब छोड़ दोगे। हाँ बोलो क्या है? अगर मान लो जैसे संसार में आज किसी की डेथ हो गई है संसार में, तो मान लो एक नशे का जो बंदा आदि है वो क्या करेगा? आज मैं नशा नहीं करूंगा, हमारे रिश्तेदारों में डेथ होगी, मेरे परिवार में डेथ होगी है, क्योंकि उसकी आदत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, वो इस चीज को बिना लिए वो रह नहीं सकता। समझ आ रही है? कितनों को आ रही है? अपनी आदत को ऐसे बनाओ, वो रह नहीं सकता, उसे पता है, क्योंकि वो आदि हो चुका है। जब आप आदि हो जाओगे, आप सब चीजों को छोड़ोगे, दुनियादारी के रीति रिवाज, ये सब त्योहार, दुनिया जो चीजें संसार करता, आप नहीं करोगे। अब वो करोगे जो परमेश्वर चाहता है, जिसने आपको अंधकार में से बुलाया है। आमीन। अब वो करोगे। समझ आ रही है? फिर आप 12 बजे नहीं आओगे, फिर आप छुट्टियां नहीं करोगे। नशे वाला जो बंदा वो छुट्टियां करता है, 2 दिन नशा, हाँ बोलो क्या है? आज 2 दिन रह दो,
पैसे नहीं है, काम नहीं, दिहाड़ी नहीं लगी, वो इतना आदि हो जाता कुछ ना हो, दिहाड़ी लगे पैसे हो ना हो, वो कुछ भी कर। यहां पे एक फैमिली आती है, वो आई है रजिंद्रा नगर वाली, आए हुए ना, हाँ आए, इन्होंने एक फैमिली के बारे मुझे बताया और उस सिस्टर को भी बुलाया, वो ग्रेजुएशन थी, इतनी पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन थी, इतनी इंग्लिश उसकी हाई फाई, अरे उसका इतना स्टैंडर्ड, इतना बोलने का, इतना। जब मैंने उसके जीवन के बारे देखा, उनका खुद का अपना बिजनेस था, कोई क्या था, खुद का अपना कोई बिजनेस था, और किसी कारण उसके पति की डेथ हो गई। ध्यान से सुनो, क्या होगी, उसके पति की डेथ होगी, डेथ, और वो फिर जो काम करता था उसका, वो उसका बेटा करने लगा, बेटा भी बड़ा हो गया, अच्छा सत्य ठीक चल रहा था, पर अचानक से उसका बेटे को नशे की आदत लग गई, और उसकी आदत इतनी नशे की बढ़ गई, इतनी स्मैक पीने लगा, इतनी नशे की आदत बढ़ी, उसने अपने की घर की एक भी चीज नहीं छोड़ी, सब कुछ बेच दिया, यहां तक बिस्तरे तक, बर्तन तो दूर की बात, अपने घर के बिस्तरे भी बेच दिए। वो ग्रेजुएशन, इतनी पढ़ी लिखी औरत, इतनी समझदार, इतनी बुद्धिमान, पर उसके पास कौन सी बुद्धि थी, संसार वाली, परमेश्वर वाली नहीं, क्योंकि परमेश्वर वाली जो बुद्धि है वो क्या करती है, हमें सब दुखों से बाहर निकालती है। इसलिए क्यों कहते हैं, सुलेमान ने कहा कि बुद्धि को, समझ को अपनी बहन बना ला, अपनी साथन बना ला, ऐसे ये वाक्य अलंकार है, हाँ, बुद्धि को क्या बना ले, अपनी बहन बना ले, साथन बना ले, उसे साथी बना ले, और उसने सब कुछ बेच दिया, खाने तक नहीं, लोगों से उसकी मां मांग कर रोटी खाती है, मांग कर। हमने गुड न्यूज दी, हमने सुसमाचार दिया, यीशु मसीह के बारे सिखाया, समझाया, यीशु मसीह क्यों आया है, बोलो क्या, वो क्यों आया इस दुनिया में, हमने सिखाया, हमने समझाया, मैंने बोला कि आना परमेश्वर के भवन में, आना और बने रहना, परमेश्वर के सारे दुखों के पहाड़ को वो तोड़ देगा, हटा देगा, पर आ नहीं पाई। बोलो क्यों नहीं आ पाई, उसने कहा कि मैं अकेली आ नहीं सकती, मेरे पास पैसे नहीं, वो मेरे पास पैसे नहीं है। हमने कहा ठीक है, हम आपको किराया भी देंगे, क्या देंगे, हम आपको किराया भी देंगे, पर फिर भी नहीं पहुंच पाई। कारण, कारण ये कि जैसे बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, जब तक मेरा पिता किसी को अपने पास नहीं बुलाता तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। इसलिए अगर आपको बुलाया है तो ये नॉर्मली कोई बात नहीं है कि आप यहां पे बैठे हो, मैं क्या कह रहा हूं, ये नॉर्मली बात नहीं है कि आप यहां पे बैठे हो, ठीक है, हमारी सबकी किसी ना किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई बेबी के कारण आया, कोई घर के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई काम के लिए, कोई कलेश के लिए, कोई नशे के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, हर बंदा अपनी अपनी चीज किसी के लिए आया है। पर इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस दुख ने, इस प्रॉब्लम ने हमें जीवित परमेश्वर मिला दिया, जिसको हम जानते नहीं थे, क्या मिला दिया, हमें जीवित परमेश्वर मिला दिया जिसे हम जानते नहीं, क्या नहीं, हमें जिसे, जिसे हम जानते नहीं। इसलिए अपनी निर्बलताओं पर, अपनी चीजों पर घमंड करो कि आज आप किस पर विश्वास करते हो, हुँ? और किसकी इच्छा को पूरो, उस नशे के व्यक्ति के जैसे आदि हो जाओ उसके प्रेम के, जैसे पौलुस कहता, कोई चीज मुझे उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती, ना उपद्रव, ना संकट, ना महंगाई, ना नंगाई, ना जोखम, ना तलवार, कोई चीज नहीं, ना बीमारी, ना कोई उपद्रव, ना ये गर्मी, आज गर्मी बड़ी है बहुत, छोड़ दो, रहन दो, हाँ आज बारिश है, कहता कोई चीज मुझे उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अगर सच में आपने सत्य को जाना है तो आदि हो जाओ उसके प्रेम के, हाँ, वो नशे वाला ये व्यक्ति नहीं कहता अभी अभी दिन नहीं चढ़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा दिन चढ़ जाएगा फिर मैं नशा करूंगा, थोड़ी दोपहर हो जाएगी, हाँ अभी मैंने नाश्ता करना है, उसे कोई नाश्ता नुश्ते की नहीं है, उसे सिर्फ नशा चाहिए,
अगर आप सच में उसके प्रेम के आदि हो गए, अब कोई प्रवाह नहीं करोगे क्या करना, काम क्या है, आप थोड़े चले आओगे, थोड़े चले आओगे उसके प्रेम के। मैंने कहा आप थोड़े चले आओगे, हाँ, क्योंकि उसका प्रेम हमें खींचता है, जैसे लोहा चुंबक, जैसे चुंबक लोहे को खींचती है ना, ऐसे आप खींचे चले आओगे। जब आपके अंदर उसका प्रेम आ गया, आप आदी हो जाओगे, आप रह नहीं पाओगे। हाँ, दानियल के जैसे आप, जैसे दानियल दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था, 3 बार। हाँ, वो आदी हो चुका था उस नशे के व्यक्ति की तरह। कुछ भी हो सकता वो बीमार भी हो जाता हो, बीच बीच कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती हो, पर वो अपनी उस आदत से वो करता रहा। एक दिन उसके सामने हालात आ गया, हाँ, उसे कुछ लोगों ने उसे फंसाने की विधि करके राजा को उकसाया कि तू ये ऐसे कर, हाँ, 30 दिन तक कोई देवी देवता को छोड़कर तुझे राजा किसी की उपासना न करे। तो वो तो उसने पता था, और साथ में एक ऐलान निकला, अगर कोई करेगा तो वो भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाएगा। और जब दानियल को ये बात पता चली, तो ऐसा नहीं है कि दानियल अब डर के मारे छुप कर बैठा है, वो अपनी रीति अनुसार तीनों टाइम उसी तरह कर रहा है। क्या कर रहा है? क्योंकि वो आदि हो चुका था। क्या हो चुका है? वो आदि हो चुका था, आदि। अगर आप भी आदि हो चुके हो तो आप कोई चीजों, आपको कोई चीज रोक नहीं सकती, ना बीमारी, ना दुख, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई संकट, ना कोई चीज। आमीन। तैयार हो उसके प्रेम के आदि होने के लिए? एक नशे के व्यक्ति की तरह आदि हो जाओ उसके प्रेम के। मैंने कहा आदि हो जाओ उसके प्रेम के, फिर देखना वो आपको कैसे चमकाएगा। मैंने कहा फिर देखना वो आपको कैसे चमकाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।